1 सितंबर 2018 को एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसके अंतर्गत प्रति परिवार या प्रति व्यक्ति 5 लाख तक का इलाज प्रधानमंत्री द्वारा मुफ्त करने की योजना लागू की गई। आज इसी कार्यक्रम की वर्षगांठ है, इसमें से तमाम लाभार्थियों को आयुष्मान आरोग्य योजना का कार्ड मिला भी होगा, जो कभी नहीं मिला जो कि मिलने वाला है। आज ही कुछ कार्ड आपके यहाँ वितरित किए जाएंगे। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर राजेश जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक भी हैं, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला मंत्री बड़े भाई श्री अरविंद सिंह जी हैं। उनके द्वारा इस कार्यक्रम में यह कार्ड लाभार्थी को दिया जाएगा। हमारे सामने बैठे इस स्वास्थ्य कैंपस में क्षेत्र के कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, कुछ आशा बहुएं हैं, कुछ हमारे सम्मानित नागरिक हैं, और आज यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के जन कल्याण के तहत आज का यह कार्यक्रम वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को लागू किए आज 1 साल पूर्ण हो गया। उसी के तहत लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कार्ड वितरण करना है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार जी, बगल में बैठे डॉक्टर मनीष कुमार सिंह जी और हमारे अमित सिंह जी, और बगल में बैठे हमारे यशनाथ जी तथा समस्त और नेत्र चिकित्सक सागर सरोज जी बैठे हैं, वो हमारे मित्र भी हैं, क्षेत्र के रहने वाले हैं, स्वास्थ्य की ज्यादा जानकारी भी है, आंख का डॉक्टर है, अच्छे से इलाज भी करते हैं, और हमारे इस स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारीगण। यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य कल्याण योजना जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच में आया। हमारे देश की जनता छोटे लोग हो या बड़े लोग हो, इनसे प्रताड़ित होकर के मर जाते थे, पैसे के अभाव में इलाज नहीं कर पाते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हमारे देश की गरीब जनता का जब तक कल्याण नहीं होगा वह स्वस्थ नहीं रहेंगे, स्वच्छ नहीं रहेंगे, मेरा देश स्वस्थ और स्वच्छ रहने वाला नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू किया। आज साल भर इस योजना को लागू किया हो गया। हमारे प्रदेश में लगभग 6 करोड़ जनता को सीधे सीधे इसका लाभ मिलने जा रहा है। आप जैसे गरीब बंधुओं को इतनी बड़ी चिंता करने के लिए लागू किया। आप जैसे गरीब परिवार को इस कार्ड को उपलब्ध कराया। इससे पहले आप ही के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर महिलाओं के लिए
किचन की व्यवस्था के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, आंसू गिरने से बराबर आप लोग हमारी माताएं और बहनें रोगी हो जाती थी, उससे बचने के लिए गैस चूल्हा का व्यवस्था आपके लिए किया। आप वहां से बचिए, इस रोग से बचिए, हमारी महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, हमारे गरीब जनता स्वस्थ रहेगी, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। हमारी नीयत सही है, हमारा विकास सही हो रहा है। आप इस योजना का लाभ लीजिए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए। हर 5 वर्ष में 5 लाख का लाभ आपको इस कार्ड से मिलेगा। प्रति वर्ष 1 साल में 5 लाख का इलाज इस कार्ड की योजना के तहत आपको पा सकते हैं। बताइए, हमारे किस गरीब भाई के पास पैसा था? कोई छटपटाहट बची थी परिवार में, भीख मांगते बेचारे पर जाते थे, कोई सू के पैसा देने वाला नहीं मिलता था। ऐसे प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारी गरीब जनता के लिए सोचे, आप सबके लिए सोचे और यह योजना लागू हुई। आज साल भर के अंदर 6 करोड़ परिवार को योजना का लाभ मिलने जा रहा है। मैं आप सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जिनको कार्ड मिल गया है, जिनको नहीं मिला है, उनका फॉर्म भरा गया है, फॉर्म भरने की योजना चालू होने जा रही है, आप लोग अपने गाँव में प्रचार करिएगा, इस कार्ड का लाभ लीजिए और फॉर्म भरवाइए। जिनको नहीं मिला है वो फॉर्म भरे, जिनको मिला है वो इस योजना का लाभ लें। इसी के साथ आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए, अपने स्वास्थ्य कर्मियों सबको धन्यवाद देते हुए मैं आप सबका आभारी हूँ। आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।